जो आदमी अपने हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं। गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं। सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। जो आदमी अपने हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, RTA का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता, वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन। और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे लीडर गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अभी जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है वो सबसे स्ट्रॉन्ग साउंड है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का। उस पर लगातार जिस तरीके से खुद बीजेपी ने हमला किया कि ये मुस्लिम लीग टाइप का मैनिफेस्टो लग रहा है, इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या रहा होगा? देखो हमने बताओ, मैंने बताया यहाँ पर कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है। उसमें सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी MSP पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है। SC ST को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है। अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है।